अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दो दिन से मैंने कोई भी वीडियो ना एडिट किए ना अपलोड करी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। आजकल बस हम लोग खा रहे हैं और सो रहे हैं, बस दो ही काम है हमारे पास। सुबह का 5 बज गया है, इशाल ने दाल चावल खा लिया क्योंकि उसने रात में नहीं खाया था, और रमीज आ गए हैं, वो इल्हाम के साथ में पानी लेने गए हैं। पानी ख़त्म हो गया था हमारा पीने वाला। ब्रेकफास्ट करने के बाद इशाल बोलती है, डैडी मुझे आपके साथ खेलना है। तो इशाल ने सलून बनाया, वहाँ पे हेयर कटिंग करी है, बियर्ड कटिंग करी है अपने डैडी के लिए। क्या क्या कर रही है आज? अभी दाढ़ी काट रही है, दाढ़ी है ये। हाँ, इट्स अ बियर्ड। आठ बज गए, हम लोग जा रहे हैं आज बल्दिया के ऑफिस। आज इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। आज बोला था आज आने के लिए। जितनी बार भी बल्दिया के ऑफिस जाते हैं 100-200 दिरहम लग जाते हैं। कभी बोलते हैं ये एप्लीकेशन लेके आओ, कभी बोलते हैं वो एप्लीकेशन लेके आओ। तो बस आज भी गए, आज भी बस एप्लीकेशन टाइप करा के आ गए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अब तक हमारे 600-700 दिरहम लग गए हैं, लेकिन हमारा अभी कैलकुलेशन नहीं आया। बल्दिया से आने के बाद हम लोग 12-12.5 बजे सो गए थे। रमीश तो पता नहीं कब चले गए, हम लोग सोए हुए थे। अभी मैं उठी हूँ 7:30 बजे, तो बच्चे अभी तक सो रहे हैं। बस मैंने उठ के नमाज पढ़ी, फिर अपने लिए चाय बनाई। जब तक चाय बन रही थी, मैंने सारे टॉवल भी मशीन में डाल दिए, क्योंकि आज कपड़े इतने ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने सोचा टॉवल ही वॉश कर लेती। खाना भी नहीं बनाना है, दाल इतनी रखी है जिसको मैंने एक कप से भी बनाई थी कम, फिर भी बच गई है। तो बस आज दाल, आज चावल ही बनाऊंगी, आज रोटी के साथ खाएंगे। इसके बाद मैंने विंडो के पास आके अपना ब्रेकफास्ट किया। बच्चे अभी तक सो रहे थे। दोपहर के टाइम इन लोग को मैं बोलते रहती हूँ सो जाओ, लेकिन इन लोग को नींद नहीं आती है, और रात में ये लोग उठने का नाम नहीं लेते। 9 बजे अभी शाल उठी है, उसको भूख लग रही है, तो मैंने बोला क्या खाओगी, तो बोलती है दाल चावल। तो मैंने बोला चावल तो नहीं है, रोटी लेके आनी पड़ेगी मुझे, तो बोलती है नहीं मुझे चावल खाना है। तो अब इसके लिए पहले मुझे चावल बनाने। इल्हाम भी बस उठ गई है, इल्हाम को मैंने मिल्क दिया है, स्ट्रॉबेरी मिल्क नहीं ले रही है, बोलती है ये वाला नहीं। हम देखा कैसे यहाँ पे लेट के टैप देख रही है, विंडो मैंने क्लोज करी है ज़बरदस्ती, बोलती विंडो क्लोज मत करो, ऐसे मुझे लेटने दो। और इशाल के राइस रेडी हो गए हैं, अब वो डिनर कर लेगी। कपड़े अभी तक वॉश नहीं हुए, क्योंकि मैं जो पहले 1 आवर पे लगाती थी तो उस पर कपड़े अच्छे वॉश नहीं होते थे। तो आज मैंने दूसरा साइकिल सेलेक्ट किया है, तो इसमें टाइम लगता है। आज भी जा रहे हैं हम लोग, आज 11:45 बजे जा रहे हैं। कल गए थे तो लॉन्ड्री बंद हो गई थी, तो आज जल्दी जा रहे हैं। थोड़ा इल्हाम पहले पहले भाग रही है। This is lovely, right? Yeah, this is lovely. Oh my god. Every 6 months she bring 4 babies every 6 months. But then she eats it. No, she doesn't eat. Look, Ilham, she's touching them. Ilham, Ilham, take Opa. Take Opa. Take it. Ilham, take that. Yeah, this one is fine. This is nice one. Keep it down, keep it down. Ilham को डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी, उठा उठा के फेंक रही है उनको बेचारों को। Ilham, don't throw, okay? Take Opa. Put it down. Yes, good girl. Okay, put it down. You take the money. लॉन्ड्री के बाद हम लोग सुपरमार्केट गए, उसके बाद में बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ें ली और मैंने ब्रेकफास्ट आइटम लिए सुबह के लिए, और फिर उसके बाद थोड़ी वॉक करी। घर आते आते मतलब हमें 1 घंटा हो गया था पूरा। घर आने के बाद मैंने मशीन से टॉवल निकाले, उनको हैंग किया, और इशाल की एक्सरसाइज चालू हो गई। अभी 1 बज रहा है, इल्हाम की टैब की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, इसलिए वो अभी कुछ और खेल में लगी है। 2 बज गया, इल्हाम का नैप टाइम हो गया। आज बहुत लेट सोई है क्योंकि लेट उठी थी, आज नींद नहीं आई अब तक। इशाल बस अपना टैब यूज़ करिए, एक्सरसाइज करिए, बस यही करिए। 2:20 हो गया है, मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई है, ठंडी लग रही थी थोड़ी, विंडो भी खोलती है थोड़ी घर में गर्म आ जाए, एकदम ठंडा हो गया रूम। 2 बजे सोई है, 4:45 बजे उठ गई, 2 घंटे में हो गई इसकी नाप। अब बजाएगी 12:01 दोपहर के सोने के लिए, और शाल को तो नींद ही नहीं आ रही है। बस इशाल पूरी रात एक्सरसाइज कर रही है, टैब देख रही है, बस यही काम है। हाउ कम यू हैव 5 फिंगर, ओपन 5 फिंगर एंड देन डिलीट 2 फिंगर।
यस राइट थ्री। 6:30 बज गए सुबह के। विशाल बोलती है आज बारिश आएगी, बादल आ गए वहाँ पे काले काले, देखो आती है कि नहीं। प्लीज 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 ऑलवेज रमेश अभी तक नहीं आए, अभी तक निकले भी नहीं है वहाँ। दोनों कब से खेल रही हैं, विशाल को तो पूरी रात हो गई, उसको ना कोई भी मतलब नींद नहीं आ रही। कुरान भी पढ़ लिया, होमवर्क भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली इसने, फिर भी लेकिन यू रीड कुरान टुडे और नो? नो, यू नॉट रीड कुरान। ऑल डे स्लीपिंग एंड ऑल नाइट अवेक, हूज फॉल्ट इज दैट? मम्मी, यस वेरी गुड, यल्ला आई विल टेल यू टू स्लीप इन द नाइट। नो माय, आई सेड मी। ओके, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, आज हमने वही बनाया ब्रेड मिल्क के साथ, मिल्क और हनी के साथ में। आज दोपहर में हम लोग 2 बजे सोए हैं और अभी रात का 8 बज रहा है, सिर्फ मैं उठी हूँ, बाकी सारे सो रहे हैं। रमीश ने आज ऑफ़ करी है, उनकी कार में कुछ मसला है तो फिर वो नहीं गया आज। तो बस मैं उठ के अपने लिए चाय बनाई है और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, ये लोग अभी तक सो रहे हैं। दोनों बच्चे उठ गए हैं सो के, अभी इल्हाम को तैयार कर दिया, इशाल को भी तैयार कर रही हूँ, अभी बाहर जा रहे हैं। रमीश ऑलरेडी नीचे चले गए, सुपरमार्केट जाएंगे थोड़ा सा सामान लेके। दिन ब दिन हमारा सोने का और उठने का टाइमिंग चेंज होते जा रहा है, कभी हम लोग दोपहर में उठते हैं, कभी रात में उठते हैं, कभी शाम को उठते हैं, कोई समझ नहीं आ रही कब कौन से टाइम का खाना खा रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि शाम की चाय पी रहे हैं, सब कुछ हमारा मिक्स हो गया है। हम के काम लेके पूरे हाथ में इसने पेन से ड्राइंग करी है, पूरे सुपरमार्केट में बस यही करते रहिए। नेस्टो के बाद हम लोग दुबई के लिए निकल गए क्योंकि रमेश को अपनी कार लेके आनी थी, तो रमेश ने बोला तुम अपनी कार चलाना और मैं अपनी चलाऊंगा और रात में ट्रैफिक भी कम होता है इसलिए जल्दी आ जाएंगे, तो मैंने बोला ठीक है। तो बस अब हम जा रहे हैं दुबई, 12 बज गए थे, ट्रकों का टाइम हो गया था यहाँ पे यूएई में 12 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ये टाइमिंग होता है, इनको उसी बीच में ड्राइव करके सिटी से बाहर निकलना होता है। अगर से इन्होंने मतलब उस बीच में नहीं ड्राइव करके मतलब बाहर नहीं निकले तो फिर से इनको 6 बजे से पहले कहीं साइड में पार्किंग करके रोकना होगा, फिर वापस से रात के 12 बजे का वेट करेंगे, फिर जब स्टार्ट होगा फिर रात के 12 बजे से फिर सुबह 6 बजे तक के इनको सिटी को मतलब छोड़ना होगा, ऐसा यहाँ पर सिस्टम है। घर से हम लोग 9:30 बजे निकले थे, रमीज़ और बच्चों ने दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सिर्फ मैंने चाय पी थी और इन लोग की हालत दुबई पहुंचने तक बहुत ख़राब हो गई थी, सबको बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी। अशरफी का मेन्यू हमें पसंद नहीं आया, वो थोड़ा मलबारी टाइप था, तो इसलिए फिर हम लोग ने सोचा कि कराची दरबार में जाते हैं। कराची दरबार में हमें मालूम था अभी खाना अच्छा नहीं मिलता है, पहले अच्छा मिलता था, फिर भी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो हम आ गए कराची दरबार। हमने मटन पेशावरी और साथ में हलीम ऑर्डर करी लेकिन दोनों का टेस्ट भी हमें पसंद नहीं आया, तो बस हमने गुजारा ही किया क्योंकि रात का 1 बज गया था और अब इस टाइम पे कोई रेस्टोरेंट इतने खुले भी नहीं होंगे, जो खुले होंगे बस ऐसे ही खाना मिलना था। उसके बाद रमीश को ड्रॉप किया सतवा में और हम लोग यहाँ पे आ गए ये मस्जिद के पास चाय पीने के लिए, और रमीश का वेट कर रहे थे कि वो आएंगे तो फिर साथ में जाएंगे। मैंने अपने लिए चाय ली और इल्हाम को कोक पीना था तो उसको कोक लेके दिया। चाय पीने के बाद तो इतनी गर्मी लगी, बाप रे, पूरे हम लोग पसीने में नहा गए क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। यहाँ पे लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया था, पता नहीं कुछ हो गया था इस बिल्डिंग में, कोई आवाज़ें आ रही थी चिल्लाने की तो सब लोग बोल रहे थे पुलिस को कॉल करो, बहरहाल पुलिस भी आ गई थी, एम्बुलेंस भी आ गई थी, पता नहीं कुछ बड़ा ही केस हुआ था, तो हम लोग भी जैसे ही खड़े रह के बस देख रहे थे। रमेश को आते आते 1.5 घंटा हो गया था और हम लोग बैठ बैठ के बस बोर हो गए थे, तो बच्चे बस कार पर चढ़ के बैठ रहे थे, कभी नीचे कभी ऊपर, बस यही कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद रमेश आ गए थे, बच्चे उनके साथ बैठ गए थे और मैं अकेले ड्राइव करके आई और बस रमीश को फॉलो करते जा रही थी, जहाँ जहाँ वो जा रहे थे बस उनके पीछे पीछे मैं जा रही थी। मैं आगे आ गई थी और रमीश पेट्रोल स्टेशन पे रुक गए थे क्योंकि उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मैं 3 बजे पहुँच गई थी। फिर मैं आके पार्किंग ढूंढ रही थी, पार्किंग नहीं मिली, फिर रमीश आए तब जाके उन्होंने पार्क करी है कार। रमीश ने सारे ग्रोसरी बैग निकाल के सीढ़ियों पर रख दिए थे और उसके बाद वो पार्क करने चले गए कार को और हम लोग एक एक करके सारे बैग लेके ऊपर आ गए। तो बस फिर उसके बाद आके सारी ग्रोसरी सेटिंग करी, फिर बच्चों को शावर दिया क्योंकि ये लोग की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पूरे पसीने पसीने हो गए थे। शावर देने के बाद इन लोगों को भूख लग गई थी और ये जो नूडल्स हैं बुलडॉग, ये कोरियन नूडल्स हैं। इशाल ने बोला कि मुझे आज ये ट्राई करना है तो सुपरमार्केट से उसने ले लिए थे और बोली थी जब इल्हाम को भूख लगेगी तब मम्मा हम लोग खाएंगे, तो इल्हाम के बहाने से बस बार बार इल्हाम को बोलती थी ये लेट्स ईट नूडल्स। तो फाइनली अभी सुबह के 4 बजे हम लोग नूडल्स बना रहे हैं।
रमेश बोलते हैं मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी रात में सही से खाना नहीं खाया, मुझे पसंद नहीं आया कराची दरबार का, तो बस उनके लिए राइस गर्म किए और फिर चाय बना ली साथ में। उसके बाद इन लोग ने अपने नूडल्स इंजॉय किया, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स थे लेकिन इल्हाम ने माशाल्लाह फिर भी खाए क्योंकि उसको अच्छे लग रहे थे। इल्हाम तो अपनी लैंप लेके उठ गई है, अभी 8:30 बज रहा है, हमें बल्दिया के ऑफिस जाना है, अभी रमेश को भी उठाना है मुझे, और इशाल तो पूरी रात सोई नहीं, बस वो टैब देख रही थी। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।